तो मैं शिक्षा मंत्री जी से 2 बार मिला था, मैं भर्तियों के लिए चर्चा तो करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं रीट 2020 को लेकर, लाइब्रेरियन के पद बढ़ाए जाए, ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई, वो तमाम उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रीट 2020 के लिए चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई, सबको पता है, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मीटिंग में जो हमें आस थी, क्योंकि मैं 2020 भर्ती को लेकर, रीट की भर्ती को लेकर प्राथमिकता के साथ मुद्दा था, व्याख्याता का था, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती सहित तमाम लंबित भर्ती होगा, लेकिन उसमें निर्णय क्या हुआ कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी के एग्जाम हो, समय पर एग्जाम हो, कई भर्तियां नियमों की वजह से अटक जाती है, नियमों में संशोधन हो, कई चीजें उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसके बाद कल का एक आदेश आपने देखा होगा कि 3 गुना की लिस्ट जारी की जाए, बार बार विभाग को बोर्ड से नहीं मंगवाना पड़े, समस्या नहीं हो, कई आदेश उन्होंने किए, लेकिन जो हम चाहते थे कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी कह चुके थे कि रीट पात्रता परीक्षा, इसमें एनसीटी के नियमों के अनुसार कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, परिवर्तन किस में होगा? जो एक्योर शिक्षक भर्ती यानी कि रीट एग्जाम होगी, उसके बाद आपका परिणाम आएगा, और परिणाम आने के बाद बीकानेर निदेशालय के द्वारा शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाती है, जो पहले हुआ, उसके बाद आपके प्राप्तांक बढ़ाए जाएंगे लेवल फर्स्ट में, केवल रीट के आधार पर, लेवल टू में पहले जो 30% बीए का था, बुक 10% ही रख रहे हैं, तो उसके आधार पर बाद में मेरिट बनती थी। तो नियमों में चेंज होना है, वो सेकंड पेपर में, यानी कि जो सेकंड स्टेज में, पेपर नहीं है, कहीं पेपर चला दो आप, स्टेज पे, यानी कि जो दूसरी विज्ञप्ति होगी इसमें चेंज होगा, तो पात्रता एग्जाम कभी भी हो सकती है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। दोस्तों, मैं 18 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मैं मिलकर आया था, मैंने एक फोटो ट्वीट की, मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख को मिलने के बाद मेरे पापा जी जयपुर आए थे, उनको मैंने आपको पहले जिक्र बताया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके साथ मैं हॉस्पिटल गया, उसके बाद मैं गांव चला गया, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, कोई केवल एक ट्वीट कर पाया, कई लोगों के कमेंट आए कि फोटो डाल के बग गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो कभी परिस्थिति नहीं समझेंगे कि कोई आदमी फंस गया होगा या किसी परिस्थिति में उलझा होगा, तो कहीं किसी कारणवश कुछ बता नहीं पाया, लेकिन पता है ना कि हमें तो केवल न्यूज चाहिए। मैं मिल के आया, उसके बाद 21 तारीख को सुबह मैं संस्कृत विभाग के जो अभ्यर्थी थे, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के, उनके ज्वाइनिंग के लिए मैं सुभाष, डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब जो मंत्री जी, उनसे मिला कि उनके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। उन्होंने कहा संस्कृत विभाग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी है, 30 तारीख तक हम कार्य कर लेंगे, और उसके बाद 10 अक्टूबर से पहले इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी कर देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आया, फोटो मैंने ली नहीं, न डाली, कम से कम 15-20 मिनट मैं शिक्षा मंत्री जी से आपकी भर्ती को लेकर जिक्र किया, चाहे रीट 2020 हो, 18 हो, 16-17 हो, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि साहब, राजस्थान के बेरोजगार ये नहीं कहते कि हमारी एग्जाम जनवरी में, दिसंबर में या नवंबर में करवाओ, वो कहते चाहे आप फरवरी में कराओ, चाहे मार्च में कराओ, चाहे अप्रैल में कराओ, कम से कम विज्ञप्ति जारी हो। पैटर्न जो 90-10 की चर्चाएं है, सुनने में कि मेरे को पता है, मैंने भी आप लोगों को बताया था 90-10 के लिए गई, लेकिन विश्वास कब होगा? जब मोहर लग जाएगी, जब सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, तो कम से कम पैटर्न विज्ञप्ति जारी हो और परीक्षा तिथि का पता चले, लोग तैयारी कर सके, इसी चीज की मांग लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है, यही हम कोशिश कर रहे थे। मैं खुद बात रखा हूँ, शिक्षा मंत्री जी का बयान यही था कि मैं इस बार ऐसी कोई घोषणा नहीं करूंगा, जो नियमों में संशोधन होना है, जो हमें भर्तियों में पारदर्शिता रखनी है, वो चीजें एक साथ करेंगे, कि क्या नियम बना रहे, क्या कर रहे, हम एक साथ ही सारी बातें डिस्क्लोज करेंगे, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ही इसमें फाइनल फैसला लेंगे, तो मैं खुद उनके सामने मजबूती से बात रख के आऊँ। इसके अलावा सीएमओ में अधिकारियों को मैंने अवगत करवाया था। तो दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों की आवाज़ पहुँचाना। कई लोग सवाल करते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख यार मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो कम से कम आपकी आवाज़ तो उठा रहा हूँ ना, कम से कम जाके आपकी बात तो रख रहा हूँ ना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। हमने आप लोगों ने, कई लोग जिन ऑब्जेक्शन किया, बोले कि ये गलत है, ये है वो, तो मैंने उनको कहा ठीक है, 2 तारीख को हम इकट्ठा होंगे। अब 144 धारा लग चुकी है, जो लोग हैं, मेरा निवेदन उनसे ये कि जो कमेंट करते, कम से कम आप आइए ना। मैं तो पहले कह चुका हूँ उपेन यादव की, कि वो कुर्सी खाली, आप आ गए हैं, हम पीछे से आपका साथ देंगे, पता तो चले ना कैसे भागा जाता है, कैसे काम किया जाता है। अरे हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, हमारी आवाज तो उठ रही है ना, कम से कम शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी मीटिंग तो ले रहे हैं ना, जो भी निर्णय हो रहे हैं, चाहे रीट का नहीं हो, आज नहीं तो कल होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें उपेन यादव गलती नहीं, लेकिन जो 3 गुना सूची, जो अधीनस्थ बोर्ड का जो निर्णय हुआ है, वो शानदार निर्णय है। आरपीएससी में हम चाहते हैं कि पहले 1 गुना की लिस्ट जारी कर दी जाए प्राप्तांक मेरिट के आधार पर, और उन लोगों को ज्वाइन दे दिया, 2 गुना की बना के रख ली जाए, उसमें भी प्राप्तांक उनके दिखाए जाए, मेरिट क्रमांक दिखाए जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ लिस्ट जारी हो, जिससे क्या है कि हर भर्ती में ऐसा हो, तो क्योंकि
तीन गुना के लिए तो कह दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए कि मेरिट क्रमांक भी जारी होना चाहिए कि ये 300 लोगों की तीन गुना ये इनकी लिस्ट है, तो वो उनको पता चल जाएगी कितनी मेरिट वालों का चयन हो गया, फिर बाद में कौन सी लिस्ट आएगी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, प्राप्त अंक के साथ मेरिट क्रमांक भी जारी होनी चाहिए, ये अच्छा निर्णय है। और जो दूसरी बात यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्तियों में, आप लोगों ने जो मेरा लाइव देखा हो, मेरी डिबेट देखी हो मीडिया में, चिल्ला चिल्ला के मैं यही कह रहा था कि भर्तियों की मॉनिटरिंग हो, उसके बाद आपने देखा होगा हमारी प्रदेश में भर्तियों की मॉनिटरिंग हो रही है, मेरी डिबेट उठा के देखिए, चिल्ला चिल्ला के मैं कहता था कि यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्तियों में यहाँ की परीक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। लोग कहेंगे, बहुत लोग आएंगे कॉपी पेस्ट वाले, श्रेय लेने वाले, लेकिन वो डिबेट, वो लाइव, वो सब वो पहले की हैं, वो कभी डिलीट नहीं होती है। चिल्ला चिल्ला के हम आवाज़ उठाते थे, हमारी आवाज़ सरकार तक पूछी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन निर्देश की पालना भी होनी चाहिए। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने रीड शिक्षक भर्ती 2018 की लेवल फर्स्ट और सेकंड की एक और सूची निकालने, LDC भर्ती 2018 के पद जो कम किए गए उनकी सूची निकालने, और जो बाहरी राज्यों के लिए निर्देश दिए थे, अभी तीनों पे अधिकारी ने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, आज लटके पड़े हैं। हालांकि इस संदर्भ में मैं खुद आज सचिवालय में खुद जाके आया हूँ, लेकिन इसमें भी मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं और चीजों पे चर्चा करना चाहूंगा। इसलिए दोस्तों, मैं शिक्षा मंत्री से मिलके गया था, तो उस दिन 18 तारीख को मैं फोटो डाल पाया था, हॉस्पिटल था, घर चला गया था, उसके बाद नहीं डाल पाया था। इसके बाद मैं 21 तारीख को मिला हूँ, उन्होंने कहा कि हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, इस बार जो भी हो गए एक साथ सारे नियम बनेंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे, कब एग्जाम होगी, क्या नियम होगा, किसको लिया जाए, ये चीज़ें उन्होंने कहा, और मुख्यमंत्री जी ही इसमें अंतिम फैसला लेंगे। तो दोस्तों, मैंने बात माननीय मुख्यमंत्री तक और शिक्षा मंत्री तक पहुँचाई है। दोस्तों, मैंने रीड 2020 के लिए चर्चा कर लिया, प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैंने बात यह तक पूछाई है कि राजस्थान के बेरोजगार ये नहीं कह रहे कि हमारी एग्जाम जनवरी में कराओ, फरवरी में कराओ, वो चाहे आप मार्च में करवाइए, अप्रैल में करवाइए, मई में करवाइए, कम से कम उनका कैलेंडर जारी हो, कम से कम उनकी पदों की स्थिति स्पष्ट हो, पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए, किस विषय में कितने पद है, पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ों की स्थिति स्पष्ट हो, जिससे वो बेरोजगार घर बैठे तैयारी कर सकें। क्योंकि आप एग्जाम की तिथि नहीं तो एक महीने बाद करोगे, मान लीजिए आपको मार्च में करवानी है, एक महीने बाद आप मार्च की घोषणा करोगे तो आपने जो भर्तियां निकाली है उसका श्रेय नहीं जाएगा। बेरोजगारों में आक्रोश है, 11 लाख बेरोजगारों में बहुत ज़्यादा निराशा छाई हुई है। मैंने निवेदन किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी तक बात पूछाने की कोशिश किया, और मैंने शिक्षा मंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर आपकी बात रखी है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि पूरे नियम बनाएंगे, हम पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना चाहते हैं, और अब की बार ऐसा नहीं कि हम तारीख देते कुछ नहीं, हम चाहते हैं जो तारीख जारी हो उसी पे एग्जाम हो, और उसी के साथ हम जो तारीख जारी करेंगे जो उसी के साथ हम परीक्षा पैटर्न और विज्ञप्ति की डेट भी घोषणा कर देंगे। ये शिक्षा मंत्री जी ने मुझे 21 तारीख को आश्वासन दिया था, जो आपको बता रहा हूँ। लोग कहेंगे कि आश्वासन भैया बात है, मैं तो आपकी बात रख सकता हूँ, घर से निकलकर आपकी बात रखने का काम किया है, लेकिन समय आने पे 2 तारीख की आपकी आवाज़ उठाई, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत है, समझिए। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं, कई परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, हमारे जो पहले हमारे साथी थे, मेरे थे, चलो मेरे तो मुकुद में दर्ज है, कई लोगों का राजस्थान पुलिस में नंबर आ गया है। एक रामजी लाल चौधरी है जिसका उदाहरण दे रहा हूँ, भाई माधोपुर का रहने वाला है, राजस्थान पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली और उसको कुछ समय बाद उसको निकाल दिया गया, वो लेके आपके मुकदमा दर्ज है। कई लोगों को नौकरियां से निकाल दिया, कई लोगों पे नौकरी के उनके ऊपर संकट है, 56 लोग हैं, उनका मैंने प्रार्थना पत्र CMO में दिया है, CM सचिव साहब को दिया है, CM साहब से भी निवेदन किया, उनके मुकदमे वापस हो जाए तो उनका भविष्य अच्छा हो जाए और उनको लोगों को नौकरी मिल जाए। तो कम से कम हम लोग, आप कह रहे हो, मुझे कह रहे हो आप विरोध करो, मान लीजिए परिस्थिति आप देख रहे हो कोरोना स्थिति है, मैं कल विरोध करूंगा तो क्या उन 55 लोगों का बुरा नहीं होगा, उन 56 लोगों का बुरा नहीं होगा, मेरे तो मुकदमे आज नहीं तो कल लड़ जाएंगे, जब हटेंगे मुझे जेल चला जाऊंगा, कुछ नहीं, देखो उनका भविष्य बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, आप सोचिए, दिल पर रखिए, परिस्थितियाँ के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ता है। वही कमेंट आ रहा है दोस्तों, लास्ट में इतने लोग, आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आपके भाई के न हौसले न जज्बा कमज़ोर हुआ है, चाहे फर्जी डिग्री वाले हो जो चैलेंज देते हैं, किसी के बाप से नहीं डरता, जिसमें दम है जैसे आ जाए, सच के लिए लड़ाई जारी है, वो जारी रहेगी, और आपसे वादा किया था वो वादा भी निभाऊंगा, जहां अन्याय होगा आपका भाई बोलेगा, चाहे मेरी जान चली जाए पीछे नहीं हटूंगा, जहां आपका पसीना होगा वो आपके भाई का खून होगा। जय हिंद।